aspirants, welcome to the YouTube channel of FT Plus Academy for Civil Services. Due to some medical emergency, जो सर ये क्लासेस ले रहे थे वो आज अनअवेलेबल है, तो इसलिए आज की क्लास मैं लूंगा. इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज एंड एडिटोरियल फ्रॉम 12th एंड 13th ऑफ मे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट हैजार्ड ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन. देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन फार्मा सेक्टर. Then India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. Let's start our discussion. Our first topic is impact of climate hazard on women and children. Recently, a study was conducted by the M.S. Swaminathan Research Foundation. The central theme of the study was to find out the impact of climate hazard on women and children. जिससे कि government अपने policies के अंदर और अपने रिसर्च के अंदर उन फाइंडिंग्स को इंक्लूड कर सके और वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को के लिए एक बेटर पॉलिसी बना सके, जिससे कि क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट उनके ऊपर मिनिमाइज किया जा सके. फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही बड़ा इश्यू फेस करना पड़ता है वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस को. फॉर एग्जाम्पल, कभी भी अगर डिजास्टर आता है इंडिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल फ्लड या साइक्लोन, नॉर्मली हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी होता है वो क्या होता है कि एक जनरल पॉलिसी होता है. उसके अंदर जो जो फीमेल का नीड होता है, जो वुमेन का नीड होता है, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, या फिर हम लोग उसको बहुत ही जनरलाइज वे में जो रिलीफ पहुंचाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब भी कहीं फ्लड आता है तो गवर्नमेंट का जो फ्लड रिलीफ प्रोग्राम होता है उसके अंदर अंदर क्या होता है, एक शेल्टर के अंदर सबको रखा जाता है. उसी सेंटर के अंदर मेल फीमेल वुमेन्स चिल्ड्रन सब रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करता है फीमेल्स के लिए. ठीक. सेकेंड चीज क्या, जो फ्लड रिलीफ के अंदर जो मटेरियल आता है उसमें मेनली क्या होता है, हमारा फूड मटेरियल होता है, देन कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह हो जाता है. बट हम लोग भूल जाते हैं एक चीज क्या, कि जो विक्टिम होते हैं, जो फ्लड के विक्टिम होते हैं, जो डिजास्टर के विक्टिम होते हैं, उसमें फीमेल भी होती है, वुमेन्स भी होती है. हार्डली ही फॉरेन कंट्रीज में तो ये कॉमन है, बट हार्डली ही इंडिया के अंदर ऐसा कोई फ्लड रिलीफ प्रोग्राम बनाया गया है जिसके अंदर वुमेन्स के नीड को रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सैनिटरी पैड इज द बेसिक नीड फॉर अ वुमेन, बट हार्डली किसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर या फ्लड रिलीफ मटेरियल के अंदर हम लोग इस चीज को देखते हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये चीज प्रोवाइड करवाया गया है. सो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर उसको फैमिली मतलब फीमेल ओरिएंटेड भी बनाए, फीमेल के नीड्स को भी हम लोग वहां पे देखे हैं. ठीक है, जिससे कि एक वुमेन्स के लिए जो वो जो सेक्शन ऑलरेडी वल्नरेबल है वो और ज्यादा वल्नरेबल ना हो सके, उसको भी रिलीफ मिल सके. तो ये सब नीड्स को हमें इंक्लूड करना है, जिससे कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बना पाए, जिसमें कि मेल फीमेल हर टाइप के लोग, हर वल्नरेबल सेक्शन जो होते हैं, चिल्ड्रेन हो गए, ओल्ड एज पीपल हो गए, सबकी जरूरतों का ध्यान रखे. तो देखते हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर, इस पर्टिकुलर स्टडी के अंदर क्या क्या फाइंड आउट हुआ है. तो की पॉइंट्स एंड फाइंडिंग्स फ्रॉम द स्टडी, चिल्ड्रन एक्सपोज टू क्लाइमेट हैजार्ड आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ बीइंग अंडरवेट. देयर इज आल्सो एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मॉर्टेलिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5. तो चिल्ड्रंस के जो अंडरवेट होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, उनके मतलब न्यू बॉर्न बेबी उनका डेथ का रेट ज्यादा हो जाता है यहाँ पे. देन वुमेन जो होते हैं वो टीनेज प्रेगनेंसी, अंडर न्यूट्रिशन, अदर हेल्थ चैलेंजेस, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस उनको फेस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो COVID-19 मोर और लेस एक डिजास्टर था, एक मेडिकल इमरजेंसी था, साथ में वो सोशियो इकोनॉमिक इमरजेंसी भी था, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वुमेन्स पे पड़ा. क्यों? पहले तो उनका वर्क प्रेशर इंक्रीज हो गया, अब सबका छुट्टी है, सब घर में है नॉर्मली, तो कभी मन किया पकौड़े बनाने का, कभी समोसे बनाने का, तो कभी ये खाना है तो कभी वो खाना है, जिसके कारण हमेशा वुमेन्स का जो किचन के अंदर काम था, घर का साफ सफाई, मतलब वर्कलोड, डोमेस्टिक जो वर्कलोड होता है वुमेन्स का वो इंक्रीज हो गया. देन उनके साथ अब घर में होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में तो बातचीत होगी तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी वहां पे आएगा, तो कहीं ना कहीं एक जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा. तो डोमेस्टिक वायलेंस भी उस टाइम में पर्टिकुलरली बहुत बढ़ गया था, बहुत सारे रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज आया था. देन अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो भी बहुत ज्यादा इश्यूज था उस समय. अब बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा बहुत सारा केसेस आया था क्या, कि जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे या फिर जो टीनेजर्स थे उनका अर्ली मैरिज हो जाया था, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी था, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए बहुत ज्यादा अर्ली मैरिजेस भी स्टार्ट हो गया था बहुत ज्यादा. तो कभी भी अगर कहीं पर भी क्या होता है, किसी भी केस में क्लाइमेट हैजार्ड आता है या फिर किसी भी टाइप का डिजास्टर अगर आता है, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है इन केस ऑफ एवरी
इन केस ऑफ एवरी काइंड ऑफ डिजास्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो हमारा होता है वुमेन्स के ऊपर, वुमेन्स के ऊपर। पहला तो बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रीजन, उनका अर्ली मैरिज का इश्यू फेस करना पड़ता है उनको। अब अर्ली मैरिज हो गया, देन टीनेजर प्रेगनेंसी, बहुत ही कम एज में प्रेगनेंसी हो जाता है उनका। देन डोमेस्टिक वायलेंस का इश्यू फेस करना पड़ता है उनको, अनवांटेड प्रेगनेंसी का इश्यू हो जाता है, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और उनका जो करियर ओरिएंटेड होता है, जो करियर ग्रोथ होता है, वो एक टाइप से स्टॉप हो जाता है। वुमेन्स आर ऑलरेडी फेसिंग हेल्थ चैलेंजेस इंक्लूडिंग अंडर न्यूट्रिशन, टीनेज प्रेगनेंसी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। बट साथ में जैसे हमारा हेल्थ रिलेटेड डिजास्टर आता है तो ये सब चीज क्या होता है, बहुत ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कोविड का, ऑलरेडी वुमेन्स के ऊपर वर्क प्रेशर होता है, डोमेस्टिक वायलेंस उनको फेस करना पड़ता है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज का भी इश्यू उनको फेस करना पड़ता है। बट कोविड के टाइम में कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गई थी। एक्सपोजर टू क्लाइमेट हैजार्ड आल्सो कोरिलेट्स विद हायर रेट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एंड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। जो हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस का केस इंक्रीज हो जाता है। अब स्टडी के फाइंडिंग के साथ कुछ रिकमेंडेशन भी दिया है इस स्टडी ने, जैसे कि हीट एक्शन प्लान। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक हीट एक्शन प्लान डेवलप करे, डेवलप एंड इंप्लीमेंट हीट एक्शन प्लान टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ हीट वेव ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन। सेकेंड, आपको न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जिससे कि जो हीट हीट को प्रोटेक्ट, मतलब हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको शेल्टर बनाना पड़ेगा, एक होम शेल्टर टाइप का बनाना पड़ेगा, ग्रीनरी प्रमोट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब उन सब करने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो इंपॉर्टेंट क्या है फाइनेंस, तो इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेक होल्डर्स टू इंश्योर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस। अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पहले रोड बना दिया, रोड बनाने के बाद आपको याद आ रहा है क्या, अरे यार पाइपलाइन तो मैंने बिछाया ही नहीं, तो वापस आप उस रोड को खोद रहे हो पाइपलाइन बिछाने के लिए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे कि आप एक पर्टिकुलर प्लेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो तो वहां पर ही आप जो होता है होम शेल्टर टाइप का डेवलप करो, जहां पे ग्रीनरी प्रमोट करो, वहां पे पेड़ पौधे लगाओ जिससे कि एक टाइप से एनवायरमेंट के अंदर जो ग्रीनरी हो सके और हमारे हीट का इंपैक्ट है वो कम हो सके। तो कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आप कितना ही फाइनेंस लगा दो वो सब बेकार है। एग्जाम्पल दिया ना कि रोड आपने पहले बना दिया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में आपको याद आता है कि नहीं मैंने तो टेलीफोन लाइन बिछाई नहीं, तो आप वापस रोड को खोदते हो। तो अगर आपने ये चीज पहले ही कर लिया होता तो आपका रोड बनाने का, उसके ऊपर उसको मतलब दोबारा रोड खोदने का वो सब खर्चा आपका कम लगता। तो अगर कोऑर्डिनेशन बेटर होगा तो आपका फाइनेंस भी कम होगा। रिसर्च प्रमोट करो, इन्वेस्ट इन फर्दर रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड एंड हेल्थ इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इस पर्टिकुलर फील्ड में हमें इन्वेस्ट भी करना है। देखो, दो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है दो पार्ट में होता है, एक क्या कि आपके सामने जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप एक्शन लो, आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, पॉलिसीज बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो उसके ऊपर, और साथ में आप और स्टडी करो जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को और डिटेल में समझ सको और इन फ्यूचर जो प्रॉब्लम फेस कर सकते हो आप उसका सॉल्यूशन के लिए आप प्रेजेंट में ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। तो रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बट साथ में हमें और स्टडी कंडक्ट करना है और रिसर्च करना है जिससे कि हम और डिटेल में प्रॉब्लम को समझ सके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन फार्मा सेक्टर। रिसेंटली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन announced the withdrawal of power previously delegated to state licensing authorities to issue NOC. तो हमारा पहले का सिस्टम क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थे उनके पास ये पावर था, ये ऑथोरिटी था क्या कि वो लोग ड्रग्स मैन्युफैक्चरर को NOC रिलीज कर सकते थे जिससे कि वो लोग अपना एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक, बट एक प्रॉब्लम क्या होगा कि हर स्टेट्स के अंदर रेगुलेशन जो होता है हमारा अलग अलग होता है, कहीं पर ज्यादा डिफिकल्ट है, जहां पर ज्यादा कहीं पर ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कहीं पर थोड़ा लूज है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था हमारा मेडिसिन, उसके क्वालिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा था। और बहुत सारे जगह ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं, फॉर एग्जांपल गोयना के अंदर, कि जहां पे इंडिया का जो मेडिसिन था, इंडिया का जो कफ सिरप था, उसको कंज्यूम करने के बाद बहुत सारे बच्चों का डेथ भी हुआ था। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया का बहुत सारा इमेज थोड़ा खराब बन रहा था, क्योंकि जो इंडिया का ड्रग्स होता है वो क्वालिटी अच्छा उसका नहीं होता है। तो इसीलिए कि क्वालिटी हमारा इंश्योर हो पाए, क्वालिटी पूरे कंट्री के अंदर जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है उसका क्वालिटी हमारा सुपीरियर हो पाए, अच्छा क्वालिटी हो पाए, इसीलिए हमारा रिसेंटली ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोला है कि पहले आप लोग स्टेट
के पास जो ये पावर था एनओसी रिलीज करने का ड्रग मैन्युफैक्चरर को, अब ये स्टेट से लेकर एक इसको हम सेंट्रलाइज करते हैं। पहले क्या सिस्टम था हमारा, डिसेंट्रलाइज था कि हर स्टेट अपना अलग अलग एनओसी रिलीज करता था, बट सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया। मतलब क्या, एक नेशनल लेवल पर ये हमारा एक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये हमारा जो ड्रग्स क्वालिटी को इंश्योर करता है। तो अब जो भी एनओसी रिलीज होगा वो एनओसी रिलीज करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन हमारा एनओसी रिलीज करेगा, जिससे कि ऑल इंडिया के अंदर एक क्वालिटी इंश्योर हो सके। ये जो स्टेप लिया गया है इसको सेंट्रलाइज करने का, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये हो क्या कि अब देखो स्टेट के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि स्टेट के पास, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि वहां पर एक्सपर्टाइज नहीं होता है, जिसके कारण जो लाइसेंसिंग प्रोसेस होता है बहुत ज्यादा डिले होता है, बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, बहुत लेट से होता है। तो अब क्या होता है कि अगर इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा और उसका इफिशियंसी भी इंक्रीज करेगा। देन सेंट्रलाइज होने से और भी ज्यादा बहुत सारा बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, इससे कंट्री के अंदर एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल डेवलप होगा, मतलब पूरे कंट्री के अंदर सेम क्वालिटी इंश्योर किया जा सकता है मेडिसिन का। सेकेंड, हमारा जो अब क्वालिटी अच्छा होगा इंडिया का, तो नेचुरल सा बात है क्या कि अगर हमारे मेडिसिन का क्वालिटी अच्छा हो रहा है, हमारे अगर ड्रग्स का क्वालिटी अच्छा हो रहा है, तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर उसका एक्सपोर्ट का डिमांड भी इंक्रीज होगा इंडिया का। तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो ब्रांड वैल्यू वो भी डेवलप होगा, जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है इंक्रीज करेगा और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो भी इंक्रीज करेगा। और कहीं ना कहीं इंडिया जो है एक मेडिकल सेक्टर के अंदर, एक फार्मा सेक्टर के अंदर एक सुपर पावर बन के इमर्ज होगा। लेट्स सी इन डिटेल कि इंडियन फार्मा सेक्टर जो है हमारा, इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है उसका क्या क्या पोटेंशियल है, मतलब एट प्रेजेंट हमारा क्या स्टेटस है और इंडिया के पास क्या क्या पोटेंशियल है जिससे कि वो एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट ड्रग प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम ग्लोबली, सप्लाइंग मेडिसिन टू 200 प्लस कंट्रीज। इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन वैक्सीन प्रोडक्शन, सप्लाइंग ओवर 60% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन डिमांड। तो वैक्सीन का डिमांड जो होता है वर्ल्ड वाइड, उसका 60% जो होता है इंडिया प्रोवाइड करवाता है। और WHO का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें मोर देन 70% जो वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है वो इंडिया करवाता है। और इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुत ही डेडली डिजीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल DPT वैक्सीन भी प्रोवाइड करवाता है, BCG का वैक्सीन भी प्रोवाइड करवाता है, मीजल्स का वैक्सीन भी प्रोवाइड करवाता है। और ऑल ओवर देखा जाए तो WHO का जो भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ग्लोबल लेवल पर, उसका 70% जो वैक्सीन प्रोडक्शन होता है वो इंडिया करता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, अकाउंटिंग फॉर मोर देन 20% शेयर ऑफ ग्लोबल सप्लाई बाय वॉल्यूम। तो जेनेरिक मेडिसिन का जो ट्रेड होता है ग्लोबली, उसमें इंडिया मोर देन 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जो जेनेरिक मेडिसिन हमारा होता है वो ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर में उसका प्राइस कम होता है, बिकॉज ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक न्यू मेडिसिन बनाती है, तो उसका जो खर्चा होता है, इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए उनका प्राइस भी ज्यादा होता है। वो जो जेनेरिक मेडिसिन होता है वो ब्रांडेड मेडिसिन का एक बार पेटेंट राइट एंड होने के बाद, ब्रांडेड मेडिसिन का एक बार पेटेंट राइट खत्म होने के बाद उसी कंपोजिशन का यूज करके जेनेरिक मेडिसिन का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, जेनेरिक मेडिसिन का जो प्रोड्यूसर होता है उसने अपने साइड से कोई रिसर्च और इन्वेस्टमेंट पर उतना ज्यादा खर्चा किया नहीं होता है, तो इसलिए जेनेरिक मेडिसिन जो होता है उसका प्राइस जो होता है बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। तो इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड 20% जेनेरिक मेडिसिन का को सप्लाई करता है। अब इसके कारण क्या होता है कि वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या अफोर्डेबल कम रेट पर, अफोर्डेबल रेट पर मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए, जिससे कि एक इंडिया का गुडविल भी प्रमोट होता है। को इफेक्टिव मैन्युफैक्चर, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन। जो मैंने बताया कि हमारे यहाँ क्या स्किल लेबर है, लेबर, अब इंडिया के अंदर मान लो कोई प्रोडक्शन हमारा होता है फार्मास्यूटिकल का, तो क्या है? इंडिया के अंदर हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका कम हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज हमारे यहाँ जो लेबर है, लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है हमारे पास, ठीक, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है बहुत ही ज्यादा, हमारे पास लार्ज जो स्किल पूल है, हमारे पास लार्ज स्किल लेबर है, हमारे पास इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हमारे पास, तो और गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा स्कीम्स है जो कि इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जिससे कि इंडिया को एक फार्मास्यूटिकल हब बनाया जा सके। लेट्स सी सम चैलेंजेस एंड कंसर्न रिलेटेड टू इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हैवी रिलायंस ऑन इम्पोर्ट। अब क्या होता है, किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है रॉ मटेरियल। तो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है क्या, API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स।
ये एक रॉ मटेरियल होता है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए। अब क्या होता है, इंडिया जो हैवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर इस एपीआई के इम्पोर्ट के लिए। अब चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड रिलेशन होता है बहुत ही ज्यादा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होता है, कभी कभी ट्रेड टेंशन चलते रहता है, जिसके कारण हमारा जो एपीआई का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसके कारण कि हमारा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल नहीं हो पाता और हमारे कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन होता है ड्रग्स का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, वो इम्पैक्ट करता है और उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर, हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर और मेडिसिन के प्राइस के ऊपर भी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि इंडिया ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अंदर जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम करे और इंडिया के अंदर एपीआई का प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, जिससे कि इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आत्मनिर्भर हो सके। लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडिया इज द अनडिस्प्यूटेड लीडर इन जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन, बट जहां पर बात आ जाती है ब्रांड न्यू मेडिसिन के ऊपर तो इंडिया के अंदर क्या होता है, लिमिटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उतना ज्यादा रिसर्च हमारे कंट्री में होता नहीं है, जिसके कारण न्यू मेडिसिन जो होता है इंडिया में उतना ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता है। देयर इज अ नीड टू इन्वेस्ट मोर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड इनोवेशन। स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल, अब इंडिया के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ मेडिसिन के प्राइस को कंट्रोल करती है, जिससे कि जो कंज्यूमर है उनके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो। ठीक, तो अब क्या होता है, कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई कंपनी इंडिया के अंदर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहती है जिससे कि वो न्यू मेडिसिन बना पाए जो कि न्यू बीमारी का इलाज हो सके, बट उसको पता है कि गवर्नमेंट जो है इस पर्टिकुलर मेडिसिन का प्राइस कंट्रोल करेगी। अगर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसको ये पता हुआ क्या कि अगर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके न्यू मेडिसिन बना रहा हूं बट गवर्नमेंट क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके प्राइस को कंट्रोल करेगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो इंपैक्ट करेगा ना, मैं अपना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाऊंगा, मेरे को कम प्रॉफिट होगा बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है प्राइस को। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है क्या कि इंडिया के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डिस्करेज करता है, तो गवर्नमेंट जो होता है प्राइस कंट्रोल करता है, जिसके कारण कि जो मेडिसिन प्रोड्यूसर होता है उसको प्रॉफिट अपना मार्जिन बहुत ही कम मिलता है। अब प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा तो नेचुरल सा बात है क्या, वो लोग क्यों इन्वेस्ट करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, क्यों न्यू मेडिसिन बनाने का ट्राई करेगा, क्योंकि उसमें जब प्रॉफिट ही नहीं मिल पाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो द गवर्नमेंट रेगुलेट्स ड्रग प्राइस टू मेक देम अफोर्डेबल बट दिस कैन लिमिट प्रॉफिट मार्जिन एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन R&D बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज। क्वालिटी कंट्रोल इश्यू, टाइम टू टाइम क्या होता है, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है चीजें उनके ऊपर क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया जाता है। जैसे रिसेंटली में एक बहुत ही बड़ा जो मसाले का कंपनी होता है जो कि मसाला मैन्युफैक्चर करता है, मसाला सेल करता है अंडर ए सर्टेन ब्रांड नेम, उसका जो यूरोपियन यूनियन के अंदर टेस्ट हुआ उसमें ये मिला गया कुछ उसमें कैंसर काउजिंग इंग्रीडियंट्स है। वो मसाला कंपनी इंडिया का टॉप मोस्ट मसाला कंपनी इंडिया के अंदर, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो इंडिया के जो क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है कि हमारा जो रेगुलेशन है थोड़ा उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है नहीं, और दूसरा चीज क्या है करप्शन का भी इश्यू फेस करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर हो नहीं पाता है। बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके गुड्स में क्वालिटी कंट्रोल में लोग फेल होते हैं, बट वो करप्शन का यूज करके या फिर किसी का यूज करके वो लोग अपने प्रोडक्ट को पास करवा लेते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल इश्यू भी एक बहुत बड़ा रीजन है इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसे ग्रोथ को कर्व करने में। तो हमें जरूरत क्या है कि इंडिया को एक अपना क्वालिटी कंट्रोल का जो रेगुलेशन है उसको स्ट्रिक्ट करे, उसको नन पार्शियल करे, एक बायस करे, ट्रांसपेरेंट करे और एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर किया जा सके, जिससे कि इंडिया का जो मेडिसिन है वो बेटर क्वालिटी का हो सके और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंडिया का एक ब्रांड डेवलप हो सके। गवर्नमेंट हैज टेकन सम इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन टू प्रमोट द फार्मास्यूटिकल सेक्टर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआई। हमने डिस्कस किया था क्या कि एपीआई जो है इंडिया हैवीली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है इंडिया के अंदर एपीआई का प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया जिसके अंदर हम लोग एपीआई का प्रोडक्शन को इंडिया के अंदर बूस्टअप करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिससे कि हमारा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके और इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करना है, जिसके लिए इंडिया ने प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, अप्रोच पेपर ऑन नेशनल फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लॉन्च किया है, जिससे कि इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट हो सके और न्यू ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग हो सके। स्किलिंग प्रोग्राम, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया, जिससे कि जो एक इंडस्ट्री के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जो स्किल रिक्वायरमेंट होता है और जो स्किल पूल अवेलेबल है इंडिया के अंदर उसके बीच का एक गैप होता है उसको फुलफिल किया जा सके, जिससे कि हमारे कंट्री के अंदर एक स्किल्ड लेबर डेवलप किया जा सके, जिससे कि वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके और जॉब्स क्रिएट हो सके।
क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए हैं, जिसमें से एक हमने देखा क्या कि रिसेंटली एनओसी जो था पहले, जो सभी स्टेट्स के थ्रू होता था एक्सपोर्ट के लिए, उसको सेंट्रलाइज किया गया। ठीक, देन फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में कोलैबोरेशन किया गया, जिससे कि इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके और क्वालिटी भी अच्छा बेटर बनाया जा सके। नाउ सम रिकमेंडेशंस टू स्ट्रेंथन इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब अगर इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को डेवलप करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज गवर्नमेंट फंडिंग, देन टैक्स ब्रेक इन इंसेंटिव, आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा कंपनीज को, टैक्स ब्रेक देना पड़ेगा जिससे वो इंकरेज हो सके डेवलप करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड इन्वेस्ट करने के लिए। देन हमारा जो एकेडमिक इंडस्ट्री कोलाबोरेशन को प्रमोट करना पड़ेगा कि जो हमारा मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस है, उसके साथ जो कंपनीज होता है उनका कोलाबोरेशन करना पड़ेगा, जिससे कि उनके बीच में रिसर्च डेवलपमेंट हो सके। देन इंक्रीजिंग पेटेंट, जो इंडिया के अंदर जो पेटेंट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ड्रग्स का, उसके पेटेंटिंग को प्रमोट करना, जिससे कि वो जल्दी से पेटेंट हो पाए और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट हो सके। स्किल गैप को डिक्रीज करना, कैसे, ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना बाय प्रमोटिंग अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इन्वेस्ट इन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, इनहेंसिंग क्वालिटी कंट्रोल बाय स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी बॉडीज। अब जो रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं उनके पास प्रॉब्लम क्या होता है कि मैन पावर का स्कार्सिटी होता है, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड शॉर्टेज ऑफ फंड। तो सफिशियंट मैन पावर प्रोवाइड करवाना है, सफिशियंट फंडिंग उनको प्रोवाइड करवाना है, जिससे कि वो अपने वर्क को अच्छे से कर पाए। उसके अलावा जो पॉलिसीज होता है उसको अच्छे से, जो रेगुलेटरी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना, और ये जो रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं उनके फंक्शन को एक तरह से ट्रांसपेरेंट बनाना, अकाउंटेबल बनाना, जिससे कि वहां पे करप्शन वगैरह भी रिड्यूस हो सके। अडॉप्ट इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको स्टडी करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, और देन उसको ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, उसको स्टडी करके रिसर्च करके देन उसके रिजल्ट को इंडियन रेफरेंस में, इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके देन उसको अडॉप्ट करना, जिससे कि एक बेटर रिजल्ट हो सके। देन इन्वेस्ट इन एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करना, जिससे कि हमारा कंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके। नाउ देयर इज अ नीड टू प्रमोट सेल्फ सफिशियंसी। अब गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है, जरूरत क्या है कि इस स्कीम को एक लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करे और इसके कवरेज को इंक्रीज करे। देन इन्वेस्ट इन एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि हमारे कंट्री के अंदर रॉ मटेरियल एपीआई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। पार्टनरशिप फॉरेन कंट्रीज के साथ, इंडिया के अंदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेजेस है, उनके साथ पार्टनरशिप करना, जिससे कि जो हमारा स्किल डेवलपमेंट हो सके और प्लस प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो सके। नाउ देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन, जिससे कि सिस्टम के अंदर एक इफिशियंसी इंप्रूव हो सके, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो सके और करप्शन रिड्यूस हो सके, और जो हमारा जो टोटल सिस्टम है, हमारा जो प्रोसेस है वो इफिशियंट हो सके और क्लीन हो सके। इज ऑल्सो नीड टू सिंप्लीफाई द रेगुलेटरी प्रोसेस, जिससे कि एक सिंपल वे में, एक सिंपल तरीके से, सिंगल पोर्टल के थ्रू, सिंगल वेब पोर्टल के थ्रू हम एक ही साथ सभी टाइप के जो एक्सपर्टीज चाहिए, जो सभी टाइप के जो प्रोसेस होता है, अप्रूवल हो गया, ठीक है, वो सभी टाइप के जो भी वर्क होते हैं वो सिंगल विंडो पोर्टल के थ्रू हो जाए, जिससे कि टाइम भी बचे और हमारा जो इफिशियंसी भी इंप्रूव हो सिस्टम के अंदर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंप्रूव करना, जिससे कि इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो सके। नाउ एट द एंड, इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अगर जेनरिक मेडिसिन के प्रोड्यूसर से आगे बढ़कर इनोवेशन में टॉप मोस्ट बनना, इनोवेटिव बनना है, फॉर एग्जांपल रियल ड्रग्स इंडिया में प्रोड्यूस हो, न्यू ड्रग्स इंडिया में प्रोड्यूस हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है इंडस्ट्री, उस सपोर्ट के साथ न्यू इनोवेशन करे, कंट्री के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करे, जिससे कि एडवांस हेल्थ केयर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके इंडिया के लोगों को, और इंडिया जो है क्वालिटी ड्रग्स एक्सपोर्ट भी कर सके, जिससे कि इंडिया आत्मनिर्भर भी बन सके और एक्सपोर्ट हमारा भी इंक्रीज हो सके, जिससे कि इंडिया एक आत्मनिर्भर के साथ साथ एक ग्लोबल लीडर भी बन सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया ईएफटीए ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। रिसेंटली इंडिया साइंड अ ट्रेड डील विथ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो यूरोप के अंदर ये फोर कंट्रीज, नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचस्टाइन एंड स्विट्जरलैंड, इन फोर कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इंडिया ने EFTA के साथ एक ट्रेड डील साइन किया है जिसका नाम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। द मेंबर्स आर नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचस्टीन एंड स्विट्जरलैंड। नाउ वी विल सी व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ दिस ट्रेड ट्रीटी। देयर विल बी मार्केट एक्सेस। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और ये EFTA कंट्री हमारा, इनके बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ऑलरेडी। अब क्या होता है, किसी भी कंट्री के बीच में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है।
तो एज पर द ट्रेड ट्रीटी इंडिया को 92% जो गुड्स है टैरिफ लाइन है उसमें रियायत मिलेगा। मतलब क्या कि इंडिया विल गेट ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 92% ऑफ इस टैरिफ लाइन। मतलब इंडिया से जो भी गुड्स ईएफटीए कंट्री में जाएगा उसमें 92% जो गुड्स होता है उसके ऊपर टैरिफ को कम कर दिया गया। और उसी टाइप से ईएफटीए से जो इंडिया में ट्रेड्स आएगा जो गुड्स आएगा उसमें से 83% के ऊपर टैरिफ लाइन कम कर दिया गया है। सो इट इज अ म्यूचुअल ट्रीटी जिसमें कि दोनों कंट्री एक दूसरे को ड्यूटी फ्री एक्सेस देगा। इंडिया इंडिया को भी मिलेगा उन सारे कंट्रीज के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस और ईएफटीए कंट्रीज को भी इंडिया के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। देन देयर इज अ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। ईएफटीए कंट्रीज ने ये कमिट किया है क्या वी विल इन्वेस्ट $100 बिलियन इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर आने वाले 15 सालों के अंदर हम लोग $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। इस ग्रुप ने ये कमिट किया है जिससे कि अप्रोक्स 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इंडिया के अंदर जनरेट होंगे। देन द एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजन फॉर बेटर एक्सेस टू सर्विस मार्केट फॉर बोथ इंडिया एंड ईएफटीए मार्केट। तो एक दूसरे कंट्री के अंदर सर्विस सेक्टर को ज्यादा मोटिव मतलब प्रमोट किया जाएगा जिससे कि उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट किया जाएगा जिससे कि एक दूसरे कंट्री के अंदर जो सर्विस सेक्टर होता है जो प्रोफेशंस होते हैं वो इजिली अपने बिजनेस को अपने डिजिटल सर्विसेज को कमर्शियल प्रेजेंस को इंक्रीज कर सके और अपने प्रोफेशनल्स को इजिली मूव कर सके। देन व्हाट आर द सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस क्या है इस ट्रीटी से क्या क्या फायदा होने वाला है। पहला तो डायरेक्ट फायदा क्या है इट विल इंक्रीज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिकॉज 92% इंडियन गुड्स को अगर ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है तो इसका मतलब उस कंट्रीज के अंदर ईएफटीए कंट्रीज के अंदर इंडियन गुड्स जो है वो पहले कंपेयर में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा थोड़ा सस्ता हो जाएगा उसका रेट थोड़ा डाउन हो जाएगा क्योंकि 92% जो फ्री मतलब गुड्स है उसको फ्री एक्सेस मिल रहा है वहां पे। तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा इन सभी कंट्रीज के अंदर। तो इंडिया का जो अब इंडिया का एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है कंट्री के अंदर वो इंक्रीज होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा तो जॉब जनरेट होगा। जॉब जनरेट होगा तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा देन पॉवर्टी रिड्यूस होगा। तो ये पूरा चेन आप स्टेब्लिश कर सकते हो मेन आंसर राइटिंग के अंदर। ठीक तो इट विल इंक्रीज द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट क्योंकि डायरेक्टली इन कंट्री ने बोला क्या कि वी विल इन्वेस्ट $100 बिलियन इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। एग्रीमेंट विल इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जिससे कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों कंट्रीज को। इट विल इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन गुड्स और इट विल ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यूरोपियन यूनियन एक ग्रुप है एक इकोनॉमिक यूनियन है। इकोनॉमिक यूनियन है इसके अंदर क्या 27 मेंबर्स है उसमें से एक इंपॉर्टेंट मेंबर है स्विट्जरलैंड। ये जो स्विट्जरलैंड है वो हमारे ईएफटीए का ही पार्ट है। ठीक अब क्या होता है यूरोपियन यूनियन फंक्शन ऐसे करता है ना कि जो 27 कंट्रीज है इन 27 कंट्रीज के अंदर ड्यूटी फ्री एक्सेस होता है एक दूसरे कंट्री का। एक दूसरे कंट्री से यहाँ पे कुछ भी जाता है तो उसके ऊपर इजिली फ्री फ्लो ऑफ गुड्स है फ्री फ्लो ऑफ सर्विसेज है फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन्स है। ठीक है तो अब ये क्या होता है यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करती है उसमें कोई बैरियर नहीं होता है। ठीक ये यूरोपियन यूनियन का एक कंट्री है फ्रांस और ये स्विट्जरलैंड। तो एट प्रेजेंट क्या होता है कि इंडिया से अगर कुछ भी एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं फ्रांस के अंदर तो वी नीड टू पे इंडियन एक्सपोर्टर्स नीड टू पे एक्स्ट्रा ड्यूटी इन फ्रांस। अब इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है फ्रांस में वहां पे एक्स्ट्रा ड्यूटी पे करना पड़ रहा है फ्रांस के साथ बिकॉज फ्रांस के साथ हमारा कोई भी ट्रीटी ऐसा है नहीं जहां पे इंडिया को कॉस्ट में कटिंग मिल सके और इंडिया को एक तरह से ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया से जो फ्रांस में जो गुड्स जाएगा उसके ऊपर एक कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा टैक्सेस पे करना पड़ेगा। ठीक तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का जो गुड्स है वो महंगा हो जाएगा थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो होता है उसका रिड्यूस हो जाएगा। स्विट्जरलैंड भी हमारा ईयू का मेंबर है। अब इंडिया का अंदर टीईपीए स्विट्जरलैंड के साथ एक ट्रीटी है एग्रीमेंट है हमारा जिसके अकॉर्डिंग 92% गुड्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर हमारा। तो अब क्या है कि इंडियन एक्सपोर्टर स्विट्जरलैंड में ड्यूटी फ्री जो हमारे ट्रीटी के अंदर प्रोविजन है उसका यूज करके स्विट्जरलैंड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन स्विट्जरलैंड के अंदर से अपना फिर फ्रांस के अंदर वो ड्यूटी फ्री एक्सेस पा सकते हैं अदर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। तो दैट्स व्हाई स्विट्जरलैंड इज नोन एज द गेटवे ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया अंडर दिस ट्रीटी बिकॉज स्विट्जरलैंड अगर हम डायरेक्टली करते हैं फ्रांस के साथ या फिर किसी यूरोपियन यूनियन मेंबर के साथ तो हमें वहां पर ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बट अगर स्विट्जरलैंड के थ्रू हम जाते हैं उस कंट्रीज के अंदर तो हमारा कहीं ना कहीं जो ड्यूटी फ्री एक्सेस हमें मिलेगा बाकी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में भी। इसीलिए स्विट्जरलैंड इज द गेटवे ऑफ यूरोपियन यूनियन फॉर इंडिया।
एंड स्विट्जरलैंड हैज अ स्ट्रॉन्ग यूरोपियन टाइज विद यू, इंडियन कंपनीज कुड पोटेंशियली यूज इट एज अ बेस टू एक्सपेंड देयर रीच इनटू द यूरोपियन मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन। अब क्या कि हमने कोविड के टाइम में देखा था क्या कैसे सप्लाई चेन डिसरप्शन के कारण बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ा था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या कि हम अपने सप्लाई चेन को चाहे वो एक्सपोर्टर का हो चाहे इम्पोर्टर का हो हम उसको डाइवर्सिफाई करें, जिससे कि हम लोग अगर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो TEPA कुड हेल्प इंडिया डाइवर्सिफाई इट्स इम्पोर्ट अवे फ्रॉम चाइना, इट विल ऑल्सो क्रिएट जॉब्स। अब जो इन कंट्रीज ने कमिट किया क्या वी विल इन्वेस्ट $100 बिलियन उससे इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा तो जॉब क्रिएशन होगा, प्लस इंडिया से जो एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज तो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा कंट्री के अंदर, तो उससे भी हमारा जॉब क्रिएशन होगा। बट सब कुछ इतना ईजी नहीं है, ग्रासेस आर नॉट ग्रीन, कुछ चैलेंजेस भी है। फॉर एग्जाम्पल क्या कि जैसे एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड के साथ हम लोग देखते हैं, हमने तो अच्छी अच्छी बातें डिस्कस कर लिया, प्रॉब्लम क्या है कि स्विट्जरलैंड के साथ एट प्रेजेंट में इंडिया का जो ट्रेड है ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेफिसिट में आता है, बिकॉज इंडिया जो है बहुत हैवी अमाउंट में जो गोल्ड होता है वो इंपोर्ट करता है स्विट्जरलैंड से, ठीक है, और बाकी जो भी यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज है उनके साथ भी मोर ऑलवेस इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट चलता है, बिकॉज हम बेसिक जो रॉ मटेरियल चीज होते हैं वो वहां से मतलब एक्सपोर्ट करते हैं या एग्रीकल्चर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां से हम लोग हाईली टेक्निकल इक्विपमेंट हो गया मशीन हो गया वो हम लोग वहां से इंपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारे कंट्रीज के साथ हमारा ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। तो अगर ऑलरेडी हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है इन कंट्री के साथ और ऐसे में हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना मार्केट और ओपन करते हैं तो देयर इज अ चांस कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है और बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेगा, और अगर इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज करता है तो इसका मतलब हमारा रुपीज का वैल्यू भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, अगर ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा तो रुपीज का वैल्यू डिक्रीज होगा, रुपीज का वैल्यू अगर डिक्रीज होता है तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा इंपोर्ट है वो और महंगा हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट महंगा होता है तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत सारा अदर टाइप ऑफ चैलेंजेस भी है कि हमारा इस कंट्री के इन कंट्री के साथ ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट अगर ऑलरेडी है अगर मार्केट ओपन कर रहे हैं तो ट्रेड डेफिसिट विल ऑल्सो इंक्रीज। कॉम्पिटिशन इन EFTA मार्केट, सिर्फ इंडिया को ये ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं मिला है, चाइना के पास ऑलरेडी ये ड्यूटी फ्री एक्सेस है, तो कहीं ना कहीं EFTA मार्केट के अंदर इंडिया को चाइना के साथ भी कंपटीशन करना पड़ेगा मार्केट एक्सेस के लिए। उसके अलावा रिसेंटली स्विट्जरलैंड ने ये डिसाइड किया है क्या कि उन्होंने सभी टाइप ऑफ टैरिफ को रिमूव कर दिया है ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स फॉर ऑल कंट्रीज। स्विट्जरलैंड रिसेंट डिसीजन टू इलिमिनेट टैरिफ ऑन ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स फॉर ऑल कंट्रीज। तो स्विट्जरलैंड कहीं ना कहीं डिफिकल्ट मार्केट है जहां पे ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश प्लेयर्स है जिसमें से सबसे बड़ा प्लेयर है चाइना, तो इंडिया के लिए चीजें इतनी इजी होगी नहीं, बिकॉज वहां जाकर भी इंडिया को चाइनीज गुड्स के साथ और बाकी जो अदर कंट्रीज से जो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है उनको उनके साथ कंपटीशन करना पड़ेगा मार्केट एक्सेस के लिए। देन देयर इज अ चैलेंज इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अब क्या होता है इन सारे कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर या डेवलप कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि उनका जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होता है ना वो एक्सपोर्ट रेगुलेटरी होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो स्पेशली क्या होता है कि जो उनका वो लोग कोडेक्स इंडेक्स फॉलो करते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए स्पेशली, तो क्या है कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया से जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो फूड्स एक्सपोर्ट होता है और जो अदर टाइप ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट होता है, तो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होता है, तो उस क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को फुलफिल कर पाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है, तो क्योंकि उनके कंट्री के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी बॉडी होता है, उनके स्ट्रक्चर को समझ पाना, क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते ना यूरोपियन मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड के अंदर वहां का गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज है, वहां गवर्नमेंट का क्या क्वालिटी मतलब रिक्वायरमेंट है। वो एक महाराष्ट्र मान लो महाराष्ट्र के अंदर कोई किसान है जो कि इंडिया से स्विट्जरलैंड एक्सपोर्ट कर रहा है मैंगो को, ठीक, अब ये तो उम्मीद हम नहीं कर सकते है ना कि महाराष्ट्र के अंदर जो किसान है जो आम एक्सपोर्ट कर रहा है वो स्विट्जरलैंड के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को वहां पर कंट्रोल क्वालिटी का जो रिक्वायरमेंट है उसको समझता हो उसको जानता हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक गैप हो जाता है जिसको कि फुलफिल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये एक चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा इंडिया को इन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। नाउ एट द एंड द कंक्लूजन इज दैट डिस्पाइट द चैलेंजेस तो बहुत सारा है लेकिन उन सब के बावजूद भी TEPA होल्ड्स इमेंस पोटेंशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल, बिकॉज इससे हमारा कंट्री का ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है अब, जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा कंट्री के अंदर, इंडिया जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रहा है तो हमारे अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर रिड्यूस होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी रिड्यूस होगा और इंडिया जो एक आत्मनिर्भर बनेगा, एक
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनेगा, लेकिन सब कुछ इतना इजी है नहीं, बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना है। उन सभी चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए देयर इज अ नीड चैलेंजेस लाइक ट्रेड डेफिसिट हमें फेस करना है, ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उन सबसे आगे निकलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें, ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्ट एक पॉलिसी हमने बना दिया, हमने पॉलिसी बना के उसको ब्लाइंडली हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं, हमको फ्रीक्वेंटली उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें जो मॉडिफिकेशन चाहिए वो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वी नीड टू अडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड एडजस्ट आवर पॉलिसीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम, जिससे कि हम लोग एक नीड ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री का जो नीड है उसको बेटर तरीके से सर्व कर पाए और इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री हो सके इन अ लॉन्ग रन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। और कीप वॉचिंग, थैंक यू।